हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेज में। आज हम आपके लिए कार्य और ऊर्जा इससे संबंधित आपका सभी अंकिक प्रश्न देखेंगे और स्मरणीय प्रश्न भी देखेंगे। अगर आप एक बार ये पूरा वीडियो देख लेते तो आपको कार्य और ऊर्जा से संबंधित किसी प्रश्न के लिए आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी, तो इसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। तो स्टार्ट करते क्लास। कार्य यानी वर्क क्या होता है, ये आपका देखिए हम बल गुने विस्थापन। कार्य वर्क होता है बल गुने विस्थापन, मतलब क्या होता है बल और विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कह सकते हैं, कार्य। सीधा हम कह सकते हैं, देखिए परिभाषा से का बल और विस्थापन के गुणनफल को, देखिए बल और विस्थापन, विस्थापन के गुणनफल को, गुणनफल को कार्य कहते हैं। अब किसी वस्तु पर हम कोई बल लगाते हैं तो कार्य होगी, इस बात की 100% गारंटी नहीं। कार्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये आपको बताए थे। जब हम असंतुलित बल कार्य करेगा तो क्या कार्य होगी, लेकिन जब संतुलित बल उस पर कार्य करेगा तो कार्य नहीं होगी, तो ये आपको बताए थे। तो कार्य देखते हैं, मतलब क्या हो गया आपका वर्क बराबर आपका हो गया फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस्ट टाइम, कह सकते हैं एफ एस कॉस्ट थीटा। नहीं हो गया बल गुने विस्थापन, आप सीधा याद रखिए बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। अब यहां से देखिए इसका मात्रक और विमान निकालना आपको बताएंगे। तो देखते हैं कार्य का मात्रक क्या होगा, बल का जानते हैं मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन गुने विस्थापन का मीटर, मतलब क्या हो गया न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। और जानते हैं कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो क्या हो गया जूल हो गया आपका न्यूटन मीटर के बराबर। तो परीक्षा में आपका प्रश्न कभी कभी देखते हैं जूल ना देखे न्यूटन मीटर दे देगा, तो यहां से आप कर सकते हैं न्यूटन मीटर। अब देखते हैं इसका विमा, तो बल देखिए कार्य का बल का याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, बल को हम कर दे द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण गुने आपका विस्थापन, विस्थापन। तो देखिए आपका यहाँ क्या करेंगे, द्रव्यमान का देखिए क्या होगा केजी, मात्रक थ्रू हम निकाल देते, देखिए अगर मात्रक केजी, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, फिर से मीटर। तो देखिए केजी आपका हो गया द्रव्यमान यानी मास हो गया एम, मीटर मीटर क्या मीटर हो गया आपका दो मीटर हो गया, लेंथ हो गया मीटर यानी एल पर दो, और सेकेंड प्रति सेकेंड स्क्वायर मतलब क्या हो सेकेंड मतलब हो गया टाइम, टाइम पर क्या माइनस दो है। तो इस तरह से हम देखेंगे कार्य का बीमा क्या हो गया एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस दो। अब नेक्स्ट देखते हैं कार्य कब होगी, कार्य कब नहीं होगी वो भी देखेंगे, कब धनात्मक कार्य होगी, कब ऋणात्मक कार्य होगी, कब शून्य होगी वो सब देखेंगे। तो देखते हैं डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो देखिए कार्य कब कब धनात्मक होगी कब ऋणात्मक सब हम बताएंगे, इसके लिए पूरा वीडियो देखते रहे। तो देखिए यहां पर देखिए जब हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा या थीटा नब्बे होगा तो कार्य नहीं होगा, कह सकते हैं क्योंकि एस ये जीरो हो जाएगा टोटल को जीरो कर देगा, या हो सकता है जब थीटा क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाए क्योंकि कॉस 90 का मान जीरो होता है, तो उस स्थिति में भी कार्य नहीं होगा। तो जैसे इसका हम उदाहरण देख सकते हैं आपका, देखिए यदि कोई कुली अपने सिर पर बोझ रखकर क्षैतिज दिशा में चलता तो किए गए कार्य का मान शून्य होगा, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा शून्य हो गया, क्षैतिज दिशा में चल रहा है। नेक्स्ट, अगर कोई व्यक्ति किसी दीवार पर धक्का लगाता और विस्थापन नहीं होता, मतलब क्या बल धक्का लगा है लेकिन विस्थापन नहीं हुआ तो मतलब कार्य नहीं हुआ तो कार्य जीरो हो गया। 100 केजी का बोझ लेकर अगर कोई व्यक्ति कई वर्षों तक खड़ा भी रहेगा तो भी कार्य नहीं होगा, क्योंकि उस समय भी क्या होगा आपका विस्थापन जीरो होगा। एक व्यक्ति किसी वृत्ताकार कक्षा पर किसी पूरा पूरा चक्कर लगाएगा तो भी कार्य नहीं होगा, क्योंकि शुरू में यहाँ विस्थापन आपका क्या हो जाएगा जीरो, स्पेशल आपका विस्थापन का भी जो बताया वहां देख सकते हैं तो जीरो हो जाएगा, मतलब एस कभी भी जब भी जीरो होगा तो मतलब कार्य नहीं होगा, या थीटा जब 90 होगा तब कार्य नहीं होगा।
तो इस तरह देखिए, यदि कोई व्यक्ति इमारत पर चढ़कर उतर जाता है तो भी कार्य शुरू होगा, क्योंकि मान लेते यहां से चढ़ा फिर यहाँ फुट उतर के आ गया, मतलब विस्थापन क्या हुआ, जीरो हो गया। और विस्थापन जीरो होने का मतलब क्या होगा, कार्य जीरो हो जाएगा। और जानते हैं घर्षण बल के द्वारा भी एक कार्य होता है जो कि ऋणात्मक कार्य होता है, जैसे घर मान लेते हैं वस्तु इधर कार्य करता है, घर्षण बल द्वारा जो भी कार्य होता है वो ऋणात्मक होती है। और ऋणात्मक कार्य के लिए याद रखेंगे, तो याद यहां सब समझ में आ गया होगा कब कार्य शून्य होगा। अब देखते हैं बल की दिशा में, बल की दिशा में यदि कार्य होता है तो उसको हम कहेंगे धनात्मक कार्य, धनात्मक। और बल की विपरीत दिशा में होगा, बल की विपरीत दिशा में तो कार्य हो जाएगा आपका ऋणात्मक, जो कि समानता होता नहीं है। तो यहां पर देखेंगे बल की दिशा में जो कार्य होगा वो पॉजिटिव होगा, बल की विपरीत दिशा में होगा निगेटिव होगा। यदि थीटा, याद रखेंगे जब कार्य ऋणात्मक होगा तो हम कह सकते हैं थीटा कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री। याद रखेंगे ये महत्वपूर्ण आपका है, जब कार्य ऋणात्मक होगी उसमें कोण कितना होगा आपका, 180 डिग्री कोण होगा। नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन, और गुरुत्वीय जो होता है, गुरुत्वीय वस्तु नीचे की ओर, जब कोई वस्तु नीचे आती है गुरुत्वीय त्वरण के द्वारा, वो भी कार्य धनात्मक होती है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण बता चुके आपका नीचे की तरफ ही होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब ऊर्जा, कार्य अच्छी तरह समझ गए होंगे, अब नेक्स्ट हम देखेंगे ऊर्जा। तो देखते हैं बल का एक और ऐसा मात्रक छूट गया, वो पहले हम बता देते तब ऊर्जा पढ़ेंगे। बल का एक सीजीएस मात्रक होता है, CGS, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जो C हो गया सेंटीमीटर में होनी चाहिए, ग्राम में होनी चाहिए, और ये आपका सेकंड में होनी चाहिए। और जो हम पढ़ते हैं न्यूटन बराबर क्या होता है, याद जूल बराबर क्या आपका बताए थे, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये जानते हैं। तो देखिए हमको क्या करना होगा, तो देखते हैं आपका ये किलो हटाना होगा क्योंकि आपका ग्राम होनी चाहिए, तो 10^3 कह सकते हैं गुण है ग्राम। मीटर को हम क्या करेंगे सेंटी में बदलेंगे, तो 10^2 और फिर से 2, और ये आपका मीटर हो गया। और प्रति सेकंड, सेकंड तो सेकंड है ही, तो हम कह सकते हैं 10^3 और 2^2 = 4, 10^7 अर्ग देख लेंगे, सॉरी जूल बराबर आपका होगा 10^7 अर्ग, यानी जो जूल का मात्रक होगा, कार्ज का नहीं कहेंगे हम, कार्ज का ही कह सकते हैं, कार्ज का ऐसा है जो मात्रक है जूल, और जो सीजीएस मात्रक है उसमें होगा 10^7 अर्ग। और जब हम बल का पढ़ते, बल का होता है न्यूटन, तो न्यूटन का होता है के जी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, यहां से के जी को 10^3 हो जाता आपका ग्राम, मीटर हो जाता आपका 10^ सॉरी सेंटीमीटर हो जाता, और ये आपका हो जाता 10^2 सेंटीमीटर, और गुने सेकंड तो सेकंड है, 10^3 देखते 3^2 = 5 डाइन। तो बल का जो सीजीएस मात्रक होगा डाइन होगा, आप निकाल सकते 10^5 डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10^5 डाइन। और कार्य का ऐसा मात्रक जूल होगा जो कि आपका 1 जूल = 10^7 अर्ग होगा सीजीएस मात्रक। नेक्स्ट हम देखते हैं ऊर्जा, तो देखते हैं ऊर्जा यानी एनर्जी, यहां पर हम कष्ट कर सकते हैं कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, याद रखेंगे कार्य करने की दर नहीं, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, यहां कार्य करने की क्षमता अच्छी तरह याद रखें, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा कैसा है मात्रक होता है आपका जूल होता है, तो बीमा वही होगा जो कार्य का होता है, मात्रक भी वही होता है, तो कार्य और ऊर्जा का बीमा एक ही होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपका दो ऊर्जा पढ़ेंगे, पहला एक होता है गतिज ऊर्जा,
काइनेटिक एनर्जी और दूसरा आप पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी और इन दोनों के योगफल को हम कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा। इन दोनों के योगफल को, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के योगफल को हम कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। ये आपका क्या होता है मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा, क्या होता है आपका गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। याद रखेंगे यांत्रिक जो ऊर्जा होता है वो गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के योगफल को हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। याद रखना आपको गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। अब हम देखते हैं कुछ गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का उदाहरण। तो देखिए गतिज ऊर्जा जो वस्तुओं में गति के कारण आती है, गतिज ऊर्जा नाम से ही पता लग रहा है, जो वस्तुओं में गति के कारण आती है उसे हम कहेंगे गतिज ऊर्जा। तो आप गति का कोई भी उदाहरण ले सकते हैं जिसमें आपका गति के कारण आता है। जैसे आपका देखते यदि कोई वस्तु ढुलकते आ रही है, मतलब गति कर रही है, आ रही है, तो उसमें गतिज ऊर्जा है, कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होगा। यदि वस्तु गति में है तो गतिज ऊर्जा होगा। यदि वस्तु पृथ्वी के कुछ ऊंचाई पर हो, कुछ भी ऊंचाई पर हो पृथ्वी से, तो उसमें ऊंचाई के कारण जो होता है, स्थिति के कारण जो होता है, वो स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थिति मतलब पृथ्वी से ऊंचाई पर, अगर पृथ्वी की सतह पर बात करेंगे स्थिति ऊर्जा शून्य होगी। हम बता रहे हैं आपका गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के ही बराबर आपका सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं हाफ पी स्क्वायर बटे एम। और स्थिति ऊर्जा होता है एम जी एच, एम जी एच, एच जी जानते घूरते तो रहता है, एच होता हाइट। तो पृथ्वी से कुछ भी हाइट पर जब वस्तु होगा तभी उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। जैसे हम कह सकते हैं उठा हुआ हथौरा, मतलब जैसे उठा हुआ बात करें गति में कर रहे हैं, उठा हुआ हथौरा, घड़ी की चाबी में जो ऊर्जा होती है वो भी आपका स्थिति ऊर्जा होती है, तनी हुई रबर में होती है, जैसे रबर को ताने इस तरह से ऊंचाई में आया, याद कर सकते आपको रबर को जैसे ताने या स्प्रिंग को तानते हैं तो ऊंचाई में आती है, तो उसमें क्या होगा स्थिति ऊर्जा। और जब गति की बात करें गति में है तो हम क्या कहेंगे गतिज ऊर्जा। और कुछ ऐसे भी वस्तु होते हैं जिसमें दोनों ऊर्जा होती है, जैसे आप देख सकते हैं पंखा ऊपर में जो होता है, पंखा जो ऊपर में चलता है आपका छत पंखा हम कह सकते हैं, वो क्या होता है उसमें गति होती है, जब चलता है तो उसमें गति होती है, एक ऊर्जा हो गया गतिज ऊर्जा। प्लस चूंकि वो हाइट पे भी है इसलिए इसमें हो गया आपका स्थिति ऊर्जा, मतलब दोनों ऊर्जा उसमें है। याद रखेंगे दोनों ऊर्जा उसमें हो जाएगा। जब बात करेंगे जो विद्युत बनाते हैं पानी से, तो गति किससे बनाते हैं, तो उसमें गति ऊर्जा को हम बनाते हैं विद्युत ऊर्जा में, पानी की गति का प्रयोग करते हैं क्या बनाते हैं गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और बांध में पानी जो स्थिर पानी होगा उसमें क्या होगा ऊंचाई में, तो स्थिति ऊर्जा। याद रखेंगे अब हम देखते हैं कुछ और वस्तु, जैसे हम पहाड़ पर उतर रहे हैं तो या पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, जब ऊंचाई से कोई व्यक्ति आ रहा है या जा रहा है या कोई वस्तु भी, तो मतलब उसमें दोनों ऊर्जा है, क्योंकि जब ऊंचाई से आ रहा है कुछ ना कुछ ऊंचाई पर वो है, तो स्थिति ऊर्जा हो गया। जब आ रहा तो गति में है तो मतलब उसमें गतिज ऊर्जा है। तो यहां से देखेंगे आप स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा आप याद कर लेंगे। अब हम देखते हैं ऊर्जा का संरक्षण, पहले यहाँ पर देख लेंगे आपका, कभी कभी आपका प्रश्न पूछा जाता है न्यूमेरिकल प्रश्न, जब बताएंगे उसमें आप देखिएगा इस पार्ट से हम अंकी की प्रश्न बताएंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो क्या होगा गतिज ऊर्जा, जैसे हम कहेंगे वेग को पचगुना कर देंगे गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा को बीसगुना कर देंगे तो वेग क्या होगी, ये सब आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, दोनों ऊर्जा का योगफल, गतिज ऊर्जा और प्लस स्थिति ऊर्जा, दोनों ऊर्जा के योगफल को हम क्या कहेंगे आपका यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ऊर्जा, जो खाद्य पदार्थों की जो ऊर्जा होता है, खाद्य पदार्थों की ऊर्जा होता है उसको हम मापते हैं कैलोरी में। तो होता क्या है एक कैलोरी बराबर, याद रखेंगे एक कैलोरी बराबर आपका होता है 4.184 जूल। तो लगभग हम कह सकते हैं 4.2 जूल, ये होता है एक कैलोरी बराबर। नेक्स्ट हम देखेंगे अब
अब हम देखते हैं शक्ति, हम देखेंगे शक्ति, तो देखिए शक्ति क्या हो जाएगा आपका पावर कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, दोनों में देख लिए अंतर, कार्य करने की दर मतलब क्या होगा, शक्ति बराबर हम कह सकते हैं कार्य बटे समय, कार्य बटे समय, कार्य करने की दर को हम क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे, कार्य करने की दर यानी पावर क्या हो गया, कार्य करने की दर को हम क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। अब हम देखते हैं इसका मात्रक जब निकालेंगे तो कार्य का ऐसा है मात्रक क्या होता है, जूल बटे समय का ऐसा है मात्रक सेकेंड, मतलब क्या होगा जूल प्रति सेकेंड, और ये जानते हैं कार्य कार्य शक्ति का ऐसा है मात्रक वाट होता है, तो क्या होगा आपका वाट बराबर क्या हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड, लगभग जूल प्रति सेकेंड के समतुल्य होता है, लगभग नहीं कहेंगे जूल प्रति सेकेंड के समतुल्य क्या होगा आपका वाट। अब हम देखते हैं इसका मात्रक कैसे निकालना, तो देखिए अगर मात्रक नहीं याद हो क्या करेंगे, कार्य का नहीं याद तो कार्य को हम बदल देंगे बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन बट्टे आपका समय, तो यहां पर अगर बल का नहीं याद तो फिर बदल देंगे द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण अगुने विस्थापन बट्टे समय, यहां से भी अगर आपको नहीं याद कोई दिक्कत है मात्रक में बदल देते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू फिर से देखेंगे तो मीटर विस्थापन बट्टे समय एक सेकेंड, तो यहां पर देखिए आपका द्रव्यमान मतलब केजी कितना है एक केजी है, तो मतलब मास हो गया आपका एक, देखते हैं मीटर, मीटर एक एक कितना होगा दो, लेंथ एल क्या होगा आपका दो, और सेकेंड देखिए माइनस दो नीचे से ऊपर जाएगा फिर माइनस एक तो माइनस तीन, यानी टाइम पर क्या होगा माइनस तीन, इस तरह से कार्य शक्ति का जो बीमा हो गया एम एल टू टी पर पावर माइनस थ्री। अब फिर इसका ऐसा है मात्रक क्या होता है वाट होता है, और एक एक अन्य मात्रक होता है हॉर्स पावर अश्व शक्ति, हॉर्स मतलब घोड़ा यानी अश्व पावर मतलब शक्ति, एक अश्व शक्ति बराबर आपका होता है 746 वाट, एक किलो वाट बराबर कह सकते 10³ वाट, किलो मतलब जानते हैं 1000 होता है, एक मेगावाट, मेगा मतलब जानते हैं 10⁶ होता है, तो 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट। तो इस तरह से हमने कार्य का जो शक्ति पढ़े, शक्ति का अन्य मात्रक भी पढ़े, अब हम देखते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, तो देखते हैं ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है ना ही विनाश बनाया जा सकता है, मतलब ऊर्जा का ना ही निर्माण किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाता है, ये आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, बस क्या होता है इसका एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, तो जैसे हम देखेंगे कोई वस्तु जब ऊपर से नीचे आती है, याद रखेंगे इस टाइप का जब भी हम बनाएंगे प्रश्न अंकिकी प्रश्न ये आपका काम करेगा वहां पर कंसेप्ट कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो देखिए होगा क्या, ऊपर से नीचे आएगा तो बता चुके धीरे धीरे गति बढ़ेगा, यहां जो स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा वो पूरा नीचे आके गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा, गतिज ऊर्जा जैसे जैसे वस्तु ऊपर से नीचे आएगा उसका स्थितिज ऊर्जा घटते जाएगा और गतिज ऊर्जा बढ़ते जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा आपका बताया गया mgh और गतिज ऊर्जा बताया गया हाफ एम बी स्क्वायर, तो देख सकते हैं स्पष्ट है जब वस्तु ऊपर से नीचे आती है उसका धीरे धीरे गति बढ़ता है, तो मतलब क्या होगा उसका गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो मतलब धीरे धीरे उसकी ऊंचाई क्या हो रहा हाइट धीरे धीरे घट रहा, तो इसलिए इसमें स्थिति ऊर्जा घटेगा, याद रखेंगे ऊपर से नीचे आने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और स्थिति ऊर्जा घटती है, और कुल ऊर्जा नियत रहती है, इसी को हम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहते हैं, मतलब ऊर्जा को ना ही तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, क्या क्या सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, उसका स्पेशल हम वीडियो लाएंगे कि डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, आपको अच्छी तरह याद भी हो जाएगा उस समय। तो इस तरह से आज का महत्वपूर्ण हमने टॉपिक पढ़े कार्य शक्ति और ऊर्जा,
नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी आज कंसेप्ट है इस पर आधारित अंकी की प्रश्न देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल